नमस्कार, सीटीआई में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। मनीषा नाले में उगाई जा रही सब्जियों को प्रशासन ने उखाड़ा, आवासन मंडल और जेडीए ने की संयुक्त कार्रवाई। सहकारी भूमि विकास बैंकों की कम वसूली पर समिति की बड़ी चिंता, जल्द बकाया ऋण की राशि वसूलने के दिए निर्देश। और गर्मी के चलते राजधानी में बढ़ने लगी पानी की किल्लत के मामले, हसनपुरा में मटकी फोड़ किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबर विस्तार से। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार जब प्रवासियों को दूषित पानी से उगाई जा रही सब्जियों, अनाज और फलों की खेती से निजात दिलाने के लिए शुक्रवार को प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने अपने कदम बढ़ाते हुए बीटू बाईपास से जनपद और अंबावाड़ी से विकियाई तक अपनी कार्रवाई शुरू की है। अमानी शाह नाले में करीब 250 पुलिसकर्मी और अधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व शुक्रवार को प्रशासन ने दोनों जगहों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मजिस्ट्रेट, जेडीए, नगर निगम, आवासन मंडल के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। नाले में कार्रवाई के एक एक क्षण की वीडियोग्राफी कराई गई है। अम्बाबाड़ी में कार्रवाई के दौरान पहुंचे जाब्ते को खेती से ज्यादा वहां पर जलकुंभी उगती नजर आई। जेडीए की कार्रवाई 12 मई तक जारी रहेगी। यह कार्रवाई आवासन मंडल व जेडीए की संयुक्त कार्रवाई है। इस मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जेडीए के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी आए हुए हैं। उनका जो हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार ये नालों में भी सब्जी वगैरह इनको हटाने का चल रहा है। पुलिस का जो भी है सहयोग है उसके लिए आए हुए हैं। सहकारी समिति के रजिस्ट्रार अनुराग भारद्वाज ने सहकारी भूमि विकास बैंकों की कम वसूली पर चिंता व्यक्त करते हुए वसूली के प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को जून तक पूरा फोकस वसूली पर देना होगा। भारद्वाज शुक्रवार को सहकार भवन में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक के अवधि पार बकाया ऋणों के मामलों की वसूली और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बैंक सचिव की होगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधि पार बकाया दीर्घकालीन ऋणों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और कई बैंकों का एनपीए का स्तर तो अलार्मिंग स्तर तक पहुंच गया है। रजिस्ट्रार भारद्वाज ने राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों को भी निर्देशित किया कि वे राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक से वरिष्ठ अधिकारियों व क्षेत्र कार्यालयों के अधिकारियों को भी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की वसूली कार्य में सहयोग के लिए इसी तरह से झुंझुनू, बालोतरा, जयपुर एवं टोंक भूमि विकास बैंकों द्वारा अवधि पार बकाया ऋणों की वसूली में गत वर्ष की तुलना में अवधि पार बकाया ऋणों की वसूली प्रयासों की सराहना की। तो वहीं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हिंडौर, सवाईमाधोपुर, चूरू, भीलवाड़ा, जोधपुर, सीकर, डूंगरपुर, कोटा, बारा एवं श्रीगंगानगर बैंक द्वारा अवधि पार ऋणों की कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार जोधपुर राजेंद्र कुमार चौधरी व अन्य अधिकारियों ने भी सुझाव दिए। बैठक में सभी खंडों के अतिरिक्त संयुक्त रजिस्ट्रार परियोजना निदेशक मॉनिटरिंग जीएल स्वामी, तकनीकी सहायक रजिस्ट्रार पंकज अग्रवाल और बैंकों के सचिवों ने हिस्सा लिया। आज की बैठक जो है ये विशेष रूप से जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं उनकी कार्य योजना, उनकी गत वर्ष की जो उपलब्धि है उसकी समीक्षा, इन बिंदुओं के ऊपर में केंद्रित है। हमने अभी बैठक के दौरान जो भूमि विकास बैंक हैं इनकी रिकवरीज की जो पोजीशन है उसकी समीक्षा करी। समीक्षा अभी जो हमारे सामने आया तथ्य वो ये कि उसमें करीबन लगभग 18% के करीब इस पर उपलब्धि रही है जो कि गत वर्ष से कम है। ये एक गंभीर विषय है, सोचनीय है और कुछ बैंकों की विशेष रूप से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनमें टोंक है, सवाई माधोपुर है, इन बैंकों की स्थिति काफ़ी गंभीर हमने पाई, रिकवरीज की पोजीशन। तो उसमें इनको आज बैठक में स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि ये जो अप्रैल से जून तक का अवधि होती है ये रिकवरीज में इसमें विशेष कार्यवाही की जाती है प्लान कार्य योजना बनाकर, तो यदि जून तक इनके अंदर में हमें जो अपेक्षाकृत सुधार नहीं मिला तो इनके खिलाफ में हम जो प्रशासनिक कार्यवाही है वो करेंगे। इसके अलावा जो
योजनाएं हैं जिसके माध्यम से ऋण वितरित किया जाता है उसकी भी समीक्षा की गई है। लगभग 262 करोड़ का कुल ऋण PLDBs के माध्यम से वितरित किया गया है गत वर्ष में। इसमें लगभग 50 करोड़ का तो शॉर्ट टर्म लोन था जो PLDBs के माध्यम से भी विकसित किया गया था, फसली ऋण जिसको बोलते हैं। लेकिन जो शेष है वो इनकी चार सेक्टर्स की जो योजनाएं हैं, फार्म सेक्टर, नॉन फार्म सेक्टर, विविध मिसलेनियस सेक्टर, उनकी योजनाओं के माध्यम से ऋण वितरित किया गया, जिसमें कि कई योजनाएं जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर इत्यादि के लिए कृषक लोन लेता है। रूरल हाउसिंग एक देखा है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफ़ी उसके अंदर में बढ़ा है अमाउंट, जो कि ये दर्शाता है कि किसानों के अंदर में भी रूरल हाउसिंग सेक्टर के लोन के प्रति रुझान बढ़ रहा है और वो इन बैंक को भी प्रेफरेंशियल मोड में चूज़ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनके लिए कार्य योजना भी आज बना रहे हैं कि इन योजनाओं में हम कैसे सुधार कर सकें, और उस आठ बैठक के आउटकम के आधार पर हम सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। निकट भविष्य में जो बजट की कार्यवाही संपादित की जाएगी उस स्तर पर हम उस समय अपने आज की बैठक के आधार पर हम प्रस्ताव भेजवाएंगे। गर्मी का मौसम शुरू होते ही राजधानी में पानी के लिए जंग शुरू हो चुकी है और जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को वार्ड नंबर 19, 20 और 21 के लोगों ने हसनपुरा पानी चौकी पर प्रदर्शन कर मटके फोड़े और प्रदर्शन किया। इस मौके पर लोगों ने बताया कि हसनपुरा, सुशीलपुरा, बंजारा बस्ती, धनका बस्ती, मजदूर नगर सहित कई मोहल्ले में कई दिनों से पानी के लिए स्थानीय निवासी परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं पहले गंदा पानी आता था और कुछ समय बाद ही पानी भी बंद हो गया। इसकी शिकायत अधिकारियों को करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया। साहब ये सरकार चेंज हुई ना जब से हमको बहुत परेशानी आ रही है, बहुत ही परेशानी है। ले ले घड़ा। अभी एक दूसरों के घरों में जाते हैं, किसके पानी मिलता है, ले लेके जाते हैं पानी का। हम मेहनत नगर में रहते हैं, पानी नहीं आता बिल्कुल भी हमारे, नहीं किसी का ही नहीं आता। हसनपुरा वार्ड नंबर 19 पानी भी आता है और 20, इन तीनों वार्डों में सरकार के चेंज होते ही मतलब आम जनता को पानी की जो परेशानी हो रही है, और वार्ड 19, 20, 21 में इस टाइम अगर आप पानी जब शाम को आता है तो चलाकर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले गंदा पानी आता है। उस गंदे पानी को निकालने के बाद 10-15-20 मिनट बाद फिर पानी स्वच्छ आता है, तब तक कहने आधा घंटे में वो वापस सप्लाई बंद कर देते हैं। आम जनता पानी के लिए परेशान होती है, और अभी तो गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, अगर गर्मी अगर ज़्यादा होगी तो आम जनता का क्या होगा। मैं हसनपुरा वार्ड नंबर 19, 20, 21 में तीनों में देखता हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, ध्यान रखता हूँ, लोग परेशान हैं। इस परेशानी को लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, और IN साहब है वो यहाँ से जा चुके हैं, उनको मालूम है कि लोग आएंगे लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो यहाँ से निकल चुके हैं। हमारी मांग ये है, हमारा पानी जो सप्लाई होता है यहाँ से सप्लाई होता है वाटर वर्क से हसनपुरा चौकी से, हम इन लोगों से सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो तीनों वार्डों में यहाँ पर पानी सही प्रेशर से दिया जाए और बिल्कुल मतलब बिजली की कटौती ना की जाए उस टाइम पे, क्योंकि आम जनता जिनके घरों में पानी से परेशान है, क्योंकि मेन गर्मी में पानी की बहुत किल्लत होती है, लेकिन पानी अगर नहीं होगा तो इंसान जिएगा कैसे। उस पानी को देखते हुए कि हमें जो एक घंटा पानी मिल रहा है वो उसका अवधि बढ़ा के 1.5 घंटा किया जाए, सुबह शाम ये लोग नहीं, सुबह नहीं देते शाम को देते, उसको कम से कम रेगुलर 1.5 घंटा तो दे ये लोग, क्योंकि एक तो टैंकर जो है उन टैंकरों का कोई पता नहीं है कि टैंकर कहाँ जाते हैं, ठेकेदार कहाँ लेके जाते हैं, कोई यहाँ पर पता नहीं है टैंकरों का, तो वो आम जनता गरीब लोग है वो जानते नहीं कहाँ से क्या करना है। उन सबको लेते हुए आज हमने स्थानीय निवासियों ने ये आंदोलन किया है, और हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि आप सरकार तक ये बात पहुंचाएं। राजस्थान की पहचान उनकी धरोहरों से होती है, इसी को लेकर राजस्थान के धरोहर का संरक्षण जरूरी, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछली बार भी धरोहरों के संरक्षण का कार्य किया था और अभी धरोहरों को संरक्षित का कार्य करेंगी। प्रोन्नति पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष और भाजपा के उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि पिछले भाजपा सरकार में हाड़ी राणा, मीराबाई, राणा सांगा, महाराज सूरजमल सहित अनेक स्मारक बनाए गए थे और बूढ़ा पुष्कर सहित अनेक आस्था के केंद्रों को विकसित करवाया गया था, जिससे कि राजस्थान की पूरा संपदा संरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि आचरण संहिता के बाद बैठक आयोजित कर उसमें पूरा संपदा को संरक्षित करने का कार्य करेंगे, जैसे कि राजस्थान का इतिहास जैसा है उसको आंखों से कैसे देखा जा सके। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले भी जब वो गत सरकार में थी तब भी उनकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, धरोहर की दृष्टि से बहुत समृद्ध प्रांत है और यहाँ की धरोहर का संवर्धन होना चाहिए। हमारी यहाँ जो विरासत है उस विरासत को आम जनता के सामने वह जो गौरवशाली पहलू है रखे जाने चाहिए, ताकि आज की पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके।
उसको संरक्षित भी करना चाहिए। और इस नाते पिछली बार भी मैंने मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार काम प्रारंभ हुआ था, समय थोड़ा था और इसलिए, और वही था कि पहली बार राजस्थान के अंदर एक हाडी रानी का स्मारक बना, मीरा का स्मारक बना, स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने वाले गोविंद गुरु का स्मारक बना, इसी तरह से राणा सांगा विदेशी हमला का मुकाबला करने वाले राणा सांगा का बना, सूरजमल राजा सूरजमल का स्मारक बना, गोगाजी चौहान का स्मारक उसमें से बने, ये बूढ़ा पुष्कर और सावा सरोवर और सीलू जैसे हमारे एक अध्यात्म और हमारी भावना से जुड़े हुए जो थे, आस्था के केंद्र थे, उनको विकसित करने का एक सौभाग्य उसमें से मिला। निश्चित रूप जांबाजी है, तेजाजी है, उस दिशा में भी काम हुआ। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पुनर्गठन इसका किया है राजस्थान धरोहर संरक्षण पुनरुत्ति प्राधिकरण का, और उनकी इच्छा है कि राजस्थान की जो धरोहर है, संपदा है, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो है उसको संरक्षित किया जाना चाहिए, आम जनता के सामने वो रखा जाए ताकि राजस्थान का जो इतना बड़ा गौरव है उससे कुछ सीख ली जा सके, उसमें देशभक्ति का भाव जागृत होना चाहिए, संस्कार पैदा होना चाहिए और बाहर के लोग राजस्थान को देखना चाहते हैं। और राजस्थान का इतिहास जितना अच्छा है उसको आँखों से कैसे दिखाया जाए, वह उस दिशा में कुछ काम करने के नाते अभी प्रारंभ, ये जो आचार संहिता पूरी हट जाएगी उसके बाद में जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उनकी इच्छा के अनुरूप हिम्स राजस्थान की जो हमारी पुरात संपदाएँ हैं उनको संरक्षित करने का काम भी करेंगे और उसको आम जनता के सामने ठीक से प्रस्तुत करने का काम करेंगे। हमारा ये मानना है कि हम इसको एक मुहिम के रूप में एक आंदोलन जैसे होता है इसको बचाने के नाते सबकी भागीदारीता होगी, जनता की भागीदारीता इसमें सुनिश्चित करने का काम करेंगे और एक समयबद्ध रूप से इस सारे काम को पूरा करेंगे। शुक्रवार को राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ने प्रदेश भर के सभी रीजनल अफसरों की बैठक ली और टायर प्लांट से हो रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। इस बैठक में आए सभी रीजनल ऑफिसर्स ने कहा कि टायर प्लांट से निकलने वाले धुएं के कारण आसपास के वातावरण में दुर्गंध फैलती है जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। प्लांट से निकलने वाले दूषित पानी और कार्बन से वातावरण को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही प्लांट्स पर सुरक्षा के उपकरण मसलन फायर फाइटिंग आदि भी नहीं है। बैठक में तय किया गया कि बगैर कंसेंट चल रहे प्लांट्स को भी सख्ती से बंद कराया जाए। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स जो पॉल्यूशन के मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहे उनके खिलाफ भी सख्ती से पेश आया जाए। गौरतलब है कि जयपुर रीजनल ऑफिसर्स की ओर से दो टायर प्लांट्स को पहले ही बंद कराया जा चुका है। निवारू पुलिया के समीप एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार एक वाहन गुरुवार रात को राहगीर को रौंदता हुआ चला गया। दुर्घटना में गंभीर घायल युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को शव का एसएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। तो वही दुर्घटना थाना पश्चिम ने केस दर्ज कर लिया है। दुर्घटना करने वाले वाहन का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि राम प्रकाश गुर्जर मूल रूप से गांव विशनपुरा थाना महंदवास टोंक का रहने वाला था। वह यहां निर्माणाधीन मकानों में छत बनाने का काम किया करता था और निवारू रोड पर हरनाथपुरा स्थित शंकर नगर में रहता था। गुरुवार रात 9:30 बजे वह विश्वकर्मा से काम पूरा करके झोडवाड़ा में 31 नंबर बस स्टैंड पर पहुंचा। इसके बाद निवारू पुलिया के समीप एक्सप्रेस हाईवे पर पैदल सड़क पार कर रहा था तभी अज्ञात वाहन उसे टक्कर मारता हुआ चला गया। दुर्घटना का पता चलने पर परिजन शुक्रवार को यहां पहुंचे। रोगों के उपचार में किसी एक पैथी पूर्ण नहीं है, ऐसे में समाज में मल्टीपल थेरेपी विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। ऐसी ही लाइफ सेविंग थेरेपी है साइको न्यूरोविक्स। जानकारी के अनुसार लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक और कैंसर जैसे रोगों के कारणों में तनाव को मुख्य कारण माना गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जयपुर में पहली बार लाइफ सेविंग सेमिनार बिरला सभागार में आयोजित होगी। 11 मई को होने वाले इस सेमिनार को गिनीज बुक रिकॉर्डधारी डॉक्टर बी के चंद्रशेखर ने बताया कि सेमिनार में जीवन रक्षक चिकित्सा पद्धति पर विस्तृत चर्चा होगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार और विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डी आर कार्तिकेन सहित एवं एयर मार्शल पीएस भाग लेंगे। और साइकोसोमेटिक डिजीजेज है उसका सोल्यूशन हमें देना है लोगों को, क्योंकि आज सोल्यूशन सिर्फ दवाइयों में है। दवा आप खाते हैं लेकिन दवाइयों का इतना साइड इफेक्ट्स होता है जो आप, जिसके कारण आपको कई सारी बीमारियां होती है। मैं खुद अपने बारे में बता रहा था, मुझे कैंसर हुआ था 1999 में, मुझे कैंसर हुआ, हेपेटाइटिस सी हुआ, डायबिटीज हुआ, शिफा सॉल्यूशंस के हेपेटाइटिस सी डायबिटीज तीनों ही ठीक हुआ। आज मैं इस साइंस को यूनिवर्सिटी में लेके आया हूँ, जो आज तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और कोटा भगवान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा ये पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।
तो इस सिक फॉर सॉल्यूशंस में हम आपको मेनली आज के डेट में जो हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, हेडेक है, इन सब के बारे में माइंड के द्वारा सोल्यूशन बताएंगे कि माइंड के द्वारा कैसे आप इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैंने कैसे माइंड के द्वारा इस बीमारियों को ठीक किया, आज मैं आपके सामने हूँ इस साइकोन्यूरोबिक्स के चलते, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है साइकोन्यूरोबिक्स। लाइफ सेविंग सेमिनार में एक साइकोन्यूरोबिक्स हीलिंग साइंस के रूप में हम प्रेजेंट करेंगे, जिसका खुद बड़े बड़े लोगों ने इसका अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। स्वयं जो पद्मश्री जो डी आर कार्तिकेयन जी हैं, जो फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर थे और आज गवर्नमेंट के लॉ एडवाइजर हैं, और साथ में जो इंद्रेश जी आ रहे हैं, वो भी इस साइंस के बारे में प्रमोट करेंगे कि कैसे ये साइंस हर एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप में किया जा सकता है, एक हीलिंग साइंस है। निःशक्त जन विशेष बच्चों को जीवन और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के पहले सत्र में विशेषज्ञों द्वारा निःशक्त जन की मौजूदा स्थिति, पॉलिसी और सामाजिक ढांचे पर चर्चा की गई। कार्यशाला में किस प्रकार की पॉलिसी निःशक्त जनों के लिए होनी चाहिए और उनका सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा इन पॉलिसियों का सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो, इस पर चर्चा की गई। दूसरे सत्र में सामाजिक शिक्षाविद डॉक्टर ऐश्वर्य महाजन, डॉक्टर एस एस नाथावत और मृणाल जोशी ने खुली चर्चा करते हुए उपस्थित श्रोता और विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। इसके साथ पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया ने निःशक्त जनों के संदर्भ में देश सहित दुनिया भर से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा की। अशोक पनगड़िया ने कहा कि निःशक्त जनों के लिए पॉलिसी तो बहुत बनी हुई है, लेकिन उनको सही प्रकार से लागू करने की जरूरत है और निःशक्त जनों पर कार्यरत संस्थाओं को इन पॉलिसीज के राइट्स को समझकर उन पर कार्य करने की जरूरत है, जिससे इन पॉलिसीज का लाभ निःशक्त जनों को मिल सके। देखिए, सजेशंस होते हैं बेसिकली, और उन सजेशंस के बेसिस के ऊपर जो हालांकि जैसे कि 1995 एक्ट जो आया था, वो एक इंडियन लेजिस्लेशन का लैंडमार्क था, लेकिन उसके बाद में बार बार इस तरीके के सिंपोजियम्स हुए हैं जिनमें ये डिस्कस किया गया है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं और जो एक्ट्स हैं, इसमें क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हम किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं, उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और उन ग्राउंड रियलिटीज़ को लोगों के सामने रख के जो चेंजेस हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, लेजिस्लेशंस बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट को बढ़ावा देता है, रिसोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं, अपॉर्चुनिटीज 3% रिजर्वेशंस फॉर जॉब्स, पर ये ज़्यादातर इश्यूज जो हैं, इस तरह की स्थिति है आज के दिन कि आप समुद्र के पास प्यासे हैं, तो ये जो इंटरेक्शंस हैं वो डिफरेंट एनजीओस को, डिफरेंट एक्सपर्ट्स को एक साथ इकट्ठा होने का मौका देते हैं, और ये जो एक्चुअल राइट को कैसे कन्वर्ट किया जाए कि उस व्यक्ति को जो कि डिफरेंटली डिसेबल्ड है, उसको न केवल फिजिकल रिहैबिलिटेशन हो, एजुकेशनल कंपोनेंट हो और अपनी फाइनेंशियल अर्निंग कर सके। जानकी नवमी के अवसर पर शहर में विवाह समारोह की धूम रही। इसी कड़ी में अमाबाड़ी के आदर्श में श्री जानकी विवाह समिति द्वारा सर्वजाति विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 22 जातियों के 65 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सम्मेलन को सफल बनाने और व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से संपादन के लिए विवाह समिति द्वारा 22 समितियां गठित की गई, जिन्होंने बारातियों के स्वागत से लेकर विदाई तक सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। विवाह से संबंधित सभी खर्चे विवाह समिति के द्वारा वहन किए गए। डागर घराने के एक से बढ़कर एक कलाकारों की गिनती में रहे मुंबई के उस्ताद जियाफरुद्दीन डागर की पहली बरसी पर जवाहर कला केंद्र में ध्रुपद समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह जेकेके रंगायन सभागार में विश्व ध्रुपद गुरुकुल के सहयोग से किया गया। इस समारोह में पंडित उदय भवालकर का ध्रुपद गायन और पुष्पराज कोष्टी का सुरबहार वादन हुआ। कार्यक्रम में पंडित उदय भवालकर ने अपनी ध्रुपद गायकी में रागों का अनोखा मिश्रण पेश कर अपने फन का प्रदर्शन किया। इस मौके पर गायक ने तीव्र माध्यम वाले दो राग मुल्तानी और यमन कल्याण के जरिए ध्रुपद के धीरे गंभीर और अध्यात्म से सराबोर सुरों का ताना बाना बुनकर लोगों को अभिभूत कर दिया। कलाकारों के साथ पखावज पर संजय आगले ने संगत कर कार्यक्रम को रोचक बना दिया। Oh.
वैशाख शुक्ल जानकी नवमी के शुभ अवसर पर शहर भर के सभी जानकी मंदिरों में माता जानकी जी का जन्म दिवस बड़े ही श्रद्धाभाव से मनाया गया। इस मौके पर मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। चांदपुर बाजार के रामचंद्र जी मंदिर में जानकी जी का जन्म दिवस मनाया गया। जानकी नवमी के मौके पर माता जानकी के चरण दर्शन का सभी भक्तों को आकर्षण रहा। साल में सिर्फ एक दिन जानकी नवमी पर ही जानकी के चरण दर्शन होते हैं। इसके बाद राम दरबार व जानकी जी का पंचामृत अभिषेक हुआ। दोपहर को जन्म आरती के बाद पंचीरी व पंचामृत का प्रसाद भी वितरण किया गया। मंदिर के महंत नरेंद्र तिवाड़ी ने बताया कि विधि विधान के साथ जानकी जी और राम दरबार का दूध, दही, पूरा घी, शहद, केवड़ा, जलगंगा जल और इत्र के साथ अभिषेक किया गया और उसके बाद महाआरती की गई। आज वैशाख सुदी नवमी को जानकी नवमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। त्रेता में मिथिला में भयंकर भीषण अकाल पड़ा। उस वक्त प्रजा के गुहार से राजा जनक जी ने हल जोता पृथ्वी में, तो एक कुंभ में जानकी जी का जन्म हुआ, इसलिए जानकी जी भूमि सुता भी कहलाती है। आज वैशाख सुदी नवमी को मंदिर श्री रामचंद्र जी चांदपुर बाजार में सुबह से जानकी नवमी कार्यक्रम शुरू हुआ। 11 बजे पंचामृत अभिषेक, दुग्धाभिषेक, सर्वोषधि अभिषेक, फलों के रस अभिषेक, गंधोदक इत्यादि से स्नान हुआ। तत्पश्चात जानकी जी का विशेषतः श्रृंगार किया गया, सभी का श्रृंगार किया गया। 2 बजे जन्म की आरती हुई, उसमें विशेषतः जानकी जी के चरणों के दर्शन हुए, जो कि आज और कल शाम को 9 बजे तक। श्री वेंकटेश भगवान के वार्षिक ब्रह्मोत्सव की त्रिदिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को संगानेरी गेट स्थित अनाज मंडी स्थित वेंकटेश देवस्थान तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई। कार्यक्रम के दूसरे दिन मंदिर में स्वामी देवनारायण चार्य जी महाराज के सानिध्य में श्री भगवान दास जी महाराज के साथ 11 वेद पाठी विद्वानों द्वारा स्वाति वाचन के स्त्रोत पाठ सम्पन्न हुए और सायकाल मंदिर में श्री वेंकटेश भगवान एवं श्री देवी भूदेवी के श्री विग्रहों के भव्य दर्शन किए गए। गौरतलब है कि गुरुवार को 11 वेद पाठी विद्वानों के माध्यम से श्री विष्णु सहस्त्र नामावली के साथ पुष्प अर्पित किए गए और अंतिम दिन भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी।
हमारे भगवान वेंकटेश जी को तिरुपति बालाजी भी कहते, तिरु कहते हैं लक्ष्मी को पति मानी स्वामी, लक्ष्मी नारायण भगवान, विष्णु महा विष्णु, वेंकट कली नायको, वेंकटेश भगवान कलियुग में वेंकटेश नाम से प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ जयपुर शहर की चार दीवारी में ये भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे वेंकटेश जी का मंदिर बोलते हैं। इनके मूल श्री विग्रह के अलावा सामने श्री देवी भूदेवी के बीच में ये स्नान चौकी पर विराजमान भगवान है। भगवान का एक वर्ष में एक बार जिसमें प्रतिष्ठा हुई है हम ब्रह्मोत्सव मनाते हैं। ये ब्रह्मोत्सव 3 दिन का होता है। पहले दिन ब्रह्मोत्सव के प्रथम दिन 2.5 लाख 2.5 क्विंटल गुलाब के पुष्पों से तुलसी पुष्प अर्चना होती है। उसमें ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः आम जनता को आमंत्रित करते हैं और वेंकटेश जी की अर्चना निःशुल्क कराते हैं। पहले दिन ये 12 बजे तक कार्यक्रम चलता है, जो हजारों भक्त जन आते हैं। उसके बाद अब भगवान की आरती होती है, भोग लगता है, सबको गोष्ठी बांटते हैं, आज का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। द्वितीय दिन गीता के 18 अध्याय और विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, ये 11 विद्वान पंडितों से उच्चारण किए जाते हैं और आम जनता उसको सुनती है, भाग लेती है। तृतीय दिन फिर उसमें आरती और गोष्ठी वितरित हो जाती है। तीसरे दिन हमारा ब्रह्मोत्सव का आखिरी दिन होता है, उस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उस दिन भगवान के चांदी के 81 कलशों में गाय का दूध, दही, जूस, फलों का जूस, गंगा जल, ये सब भर के और उनसे विधिवत पूजन करके और भगवान के अभिषेक किया जाता है। जयपुर ने T20 और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर स्पोर्ट्स में अलग पहचान बनाई है। अब यहाँ के प्लेयर्स इंटरनेशनल मैचों में खुद को साबित भी करेंगे। क्रिकेट वही होगा लेकिन खेलने वाले प्लेयर्स स्पेशल होंगे। फिजिकली चैलेंज्ड प्लेयर्स की टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों में खिलाड़ी इंडियन टीम की ओर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मुकाबला करेंगे। सीरीज की पूरी तैयारी हो गई और एक्सपर्ट कोच प्लेयर्स को गाइड कर रहे हैं। आगामी दिनों में राजस्थान के प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा जिसमें एक्सपर्ट इंटरनेशनल सीरीज के लिए प्लेयर्स को तैयार करेंगे। आईपीएल के 7वें संस्करण में अपने होम ग्राउंड जयपुर से महरूम रह गई राजस्थान रॉयल्स टीम को उसका दूसरा घर करार दिए जा रहे अहमदाबाद में क्रिकेट प्रेमियों से घरेलू मैदान जैसा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। टीम के कप्तान शेन वॉटसन ने उम्मीद जताई थी कि यहां के दर्शक मैच दर मैच राजस्थान का अधिक से अधिक समर्थन करेंगे, पर ऐसा होता नहीं नजर आ रहा। यहां के दर्शक किसी टीम के बजाय बेहतर खेल दिखाने वालों की हौसला अफजाई करते नजर आए। पहले मैच में राजस्थान की कोलकाता पर सनसनीखेज जीत के दौरान उसका समर्थन करने वाले दर्शकों ने कल रात दूसरे मैच में प्रतिद्वंदी हैदराबाद के गेंदबाजों का भरपूर साथ दिया। तूफानी डेल स्टेन और अन्य गेंदबाजों ने जब जब राजस्थान के विकेट चटकाए, दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। राजस्थान को जयपुर के बजाय इस बार अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में अपने 4 घरेलू मैच खेलने हैं। इनमें से 2 हो चुके और बाकी 2 15 और 18 मई को होंगे। वॉटसन ने पहले मैच के बाद कहा था कि वह जयपुर को तो मिस कर रहे हैं, पर उम्मीद है कि हर मैच में यहां के दर्शक उनका अधिक से अधिक समर्थन करें। आईपीएल के मैच में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई में गेंदबाजों के धमाकेदार प्रदर्शन के बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 32 रन से हराकर अंतिम 4 की दौड़ में खुद को शामिल कर लिया है। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान शेन वॉटसन के हैट्रिक के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद को 9 विकेट पर 134 रन के स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद हैदराबाद के गेंदबाजों ने कम स्कोर को भी रॉयल्स के लिए मुश्किल बना दिया। राजस्थान की पूरी टीम ने 19.5 ओवर में 102 रन पर सिमट गई। भुवनेश्वर ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 4 विकेट चटकाए। डेल स्टेन ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। लेग स्पिनर अमित मिश्रा को विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए। राजस्थान की ओर से सिर्फ स्टीवन स्मिथ 22 कुछ देर टिके रहे। भुवनेश्वर ने तीसरी ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पवेलियन भेजकर राजस्थान पर दबाव बनाया जो अंत तक कायम रहा। और आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अमानिशा नाले में उगाई जा रही सब्जियों को प्रशासन ने उखाड़ा, आवासन मंडल और जेडीए ने की संयुक्त कार्रवाई। सहकारी भूमि विकास बैंकों की कम वसूली पर समिति की बड़ी चिंता, जल्द बकाया ऋण की राशि वसूलने के दिए निर्देश। और गर्मी के चलते राजधानी में बढ़ने लगी पानी की किल्लत के मामले, हसनपुरा में मटकी फोड़ किया विरोध प्रदर्शन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की हर बड़ी खबर सिटी आई पर। नमस्कार।